अंबरनाथ येथे एका कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांच्यावर एका कार्यक्रमात झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ राज्यभर आंदोलन व रास्ता रोको सुरू आहे. भिवंडी मध्येही रिपाईच्या वतीने रास्ता रोको करण्यात आला. यामध्ये अनेक जाती धर्माच्या लोकांनी या रास्ता रोकोला समर्थन दिले. भिवंडी रिपाई जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली हे रास्ता रोको करण्यात आले. रामदास आठवले हे केंद्रीय मंत्री असताना सुद्धा स्थानिक पोलिसांनी हवा तसा संरक्षण न दिल्याने हा हल्ला झाला आहे. या हल्ल्याचे मागे कोण आहे हे पाहणे गरजेचे आहे व हल्लेखोर प्रवीण गोस्तावी यांनाही सुरक्षा पुरवावी जेणेकरून या हल्ल्यामागे असलेल्यांकडून त्यांच्याही जीवाला धोका असू शकतो अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी भिवंडी परिसरातील दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. काही काळानंतर पोलीस उपायुक्त यांना निवेदन देऊन हा रास्ता रोको मागे घेण्यात आला. त्याच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो तेव्हा त्याच्यात त्याला देखील सुरक्षा पुरवणं गरजेचं आहे. कारण जोपर्यंत तो जिवंत आहे तोपर्यंत त्याच्या पाठीमागे असणारा जो मालक आहे याचा शोध लागणार नाही. हे अतिशय धाड कृत्य आहे, सामान्य कृत्य नाही आहे. तेव्हा आम्ही पक्षाच्या वतीने मागणी करत आहोत, लवकरात लवकर आपण या सूत्रधाराचा शोध लावला पाहिजे. अन्यथा आपण बघितलेलं आहे भिवंडी शहरामध्ये की रिपब्लिकन पक्षाची ताकद काय आहे. आठवले साहेबांना झडपा सुरक्षा भेटलीच पाहिजे. आठवले साहेबांना झडपा सुरक्षा भेटलीच पाहिजे. आठवले साहेबांना झडपा सुरक्षा भेटलीच पाहिजे. आठवले साहेब आग्या बनव. आठवले साहेब आग्या बनव. आक्षेप ने पूरा महाराष्ट्र में मोर्चा था, बंद था, सब कुछ था. हमारा कहना यही है एक आदमी ऐसा इतना बड़ा घटना नहीं कर सकता है. उसके पीछे कोई तो मास्टर माइंड है और मैं समझता हूँ वो आदमी अंबरनाथ में हो सकता है क्योंकि अंबरनाथ में ज्यादा जलने वाले लोग अपने साथ है और उसी का बुरा प्रकार है. जब तक सामने नाम नहीं आएगा उसका नाम ले नहीं पा रहे हम लोग. जब मालूम पड़ेगा तो उसको उसकी राजनीति हम महाराष्ट्र नहीं है तो पूरे घर से उतार फेंक देंगे. उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी खाली एक बिहार की औकात है अंबरनाथ में, बाकी कुछ नहीं है. आठवले साहब तो पूरे ऑल इंडिया के नेता है, वो अच्छे काम करने वाले है. हमारे लोग बोले दलित का नेता है, दलित का नहीं है. आठवले साहब ये राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है और ओबीसी नेता है, सेक्युलर पार्टी के नेता है. उसके लिए अच्छा काम करते वो हमारे ही कुछ कार्यकर्ता होगा उनको चलते है, इसलिए कुछ हल्ला करने को बोला होगा. हमारा कहना ऐसा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद केंद्रीय मंत्री बनने वाला एक ही शख्स है, उसका नाम है रामदास आठवले. सोते वक्त भी आठवले, जाते वक्त आठवले, जहाँ भी अन्य होता है आठवले, जहाँ मयत होता है तो आठवले, जहाँ बारसा होता है आठवले, सुख में आठवले, दवाखाना में आठवले, सब जगह आठवले, रामदास आठवले, बाकी सब स्थानीय कर्मचारी है. एक नेता किसी ने आज बोला है कि बोले उसको पूछा कि रामदास आपके साथ में हमला करना क्या चाहते हैं, वो शख्स ने बोला बोले छोटे बड़े लोगों से हल्ला होते रहता है, उसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ यहाँ पे. उसके बोलने को समय इतना नहीं है इस आदमी को. अरे हल्ला होता है तो सब लोग जाके निंदा चाहिए, पूछा जी क्या हुआ क्या नहीं है, ऐसे घर बोलते हैं. और अपने साथ को सुरक्षा ढेर प्लस है, छोटे में भी क्वेश्चन नहीं मिलता है क्योंकि उनकी वहाँ हॉकी ढकी होती नहीं है. जो स्थानीय पुलिस है उनका काम है कौन सा लोकेशन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कौन सा कार्यक्रम है, वह कड़े सुरक्षा लगाना चाहिए. ऐसा कुछ भी होते हुए बस उनके आगे शहर गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी में एक हवलदार एक ड्राइवर लोग को लगता है सायरन बज रहा लोग हट जाएंगे, ऐसा होता नहीं है. समझो कोई अगर कुछ करने का अगर विजिट किया तो तुम टाइम पे क्या कर सकते हो. अरे केंद्रीय मंत्री है और दलितों का नेता है और भविष्य का नेता है. बाबा साहब के बाद अगर मानते हम तो मानिए, अपने सबको मानते हैं, बाकी कोई नहीं है, बाकी है लेकिन रात भर जागने वाला लोगों को
सहारा देने वाले की रामदेव अपने उसके मुख को हल्ला करने लगा थे उस टाइम कड़ी निंदा करते अगर वो शख्स बोल रही कभी होता वो जिंदा बचता नहीं था मैं तो बोलता हूँ अगर मैं भी वो होता अमर रथ में वो जिंदा बचता रहता इतना हम लोग आज यहाँ पे इतना निर्भर हो गए हमको यहाँ पे हमको पुलिस बोला कि महेंद्र जी गोल्डी से सर्दन से ज्यादा मोर्चा मत निकालो आप जानते हैं हमारा मोर्चा निकलता है 25-30 हजार का मोर्चा निकलता है हम लोग पहले भेवड़ी शहर और पुलिस का मान रख के हमको मालूम है भेवड़ी हमारा ही गांव है क्या कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग कम से कम लोग को बुलाए यहाँ पे और हमने सबको इतना दिया है भाई किसका नुकसान नहीं होना चाहिए 4 दिन पहले ही है 5-6 दिन रिक्शा बंद है उसके भेवड़ी में ठंड है उसके हमने बंद नहीं किया कुछ खाली हमने ऐलान किया था जो लोगों ने बंद किया है उनका मैं शुक्रिया करता हूँ और जितने कार्यकर्ता है सबका शुक्रिया करता हूँ और दूसरी बात ऐसा जब तक उसको माशो मान जो पकड़ जाता नहीं है तब तक हमारे मोर्चे आंदोलन ये करते रहेंगे अगर लोग बोलेंगे कि तुम्हारी सत्ता है और तुम्हें हमला कैसा होता है सत्ता किसकी भी हो हमला करने वाला अगर बकवास हो तो देखता नहीं हो करते ही है तो इसलिए इसके बाद वहाँ का जो अमरनाथ का जो DCP है वहाँ के ACP है वहाँ का जो इंचार्ज है वहाँ बकने के लोग है उनके भी यहाँ पर इनकार होना चाहिए कि वो इतने गाफिल कैसे इतना नेता बड़ा होते हुए हमेशा हम पे हमले होते हैं मेरे गायकवाड़ की हमारी हत्या हुई बहुत दिन के हमारे ऐसा को अच्छा होगा हम लोग अब चुप में बैठेंगे हम लोग इसका मोर्चा आंदोलन करके हम लोग आश्रम तक पहुँचेंगे आज इस जगह पूरी के लोग महिलाएं हमारा तेलुगु समाज हमारे मुस्लिम भाई हमारा मराठा समाज हमारा धनगर समाज जितने हमारे साथ में मोर्चे में शामिल हुए उनका शुक्रिया करता हूँ अभी मोर्चे के बाद हम लोग 7 लोग माननीय DCP साहब को जाकर निवेदन देंगे हमारा जो कहना है जो लिखा है वो निवेदन देंगे हम।